दीपावली और छठ महापर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्द वातावरण में संपन्न कराने के लिए शनिवार को सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने जिले में पदस्थापित जवानों को ड्यूटी के दौरान कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धनतेरस और दीपावली को लेकर जवानों की खासकर प्रतिनियुक्ति सर्राफा बाजार संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके में की गई है, ताकि असामाजिक तत्वों में भय और आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो। ड्यूटी के दौरान जब तक हजारों में चहल पहल रहे तब तक सभी पदाधिकारी और जवान चौकन्ना रहे हैं। यदि कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना मिलेगी तो वहां के संबंधित जवानों और पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित थानाध्यक्ष को चिन्हित स्थलों पर इन जवानों की ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया। दीपावली के बाद छठ महापर्व के दौरान भी इन लोगों की ड्यूटी छठ घाटों के समीप लगाया गया है। वहां भी पूरी सतर्कता से ड्यूटी करना इनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने जवानों से ड्यूटी के दौरान छठ घाटों पर आतिशबाजी नहीं करने देने और किसी भी तरह की लावारिस वस्तु से छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही। आवश्यकता पड़ने पर थाना स्तर के वरीय पदाधिकारी से संपर्क कर सूचना देना है। जिले में 130 जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है जो फिलहाल नालंदा पुलिस लाइन में रह रहे हैं। सभी जो इम्पोर्टेंट जो बाजार चौक चौराहे भीड़ भाड़ के जो स्थान है वहाँ प्रतिनियुक्ति की गई है, और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जिनको प्रतिनियुक्त किया गया है उनका हम लोग प्रॉपर ब्रीफिंग कर रहे हैं, ताकि जो धनतेरस दीपावली फिर आगामी जो छठ का त्यौहार है उसमें हम लोग अच्छा से अच्छा बंदोबस्त ड्यूटी और सुरक्षा हम लोग दे सकें आम जनमानस में, सुरक्षा और शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो व्यवहार है जो त्यौहार है वो संपन्न हो।